तो यार दोस्तों, मुंबई के इस प्लेयर ने पाकिस्तान को बीट करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। वो प्लेयर कोई और नहीं तो 2010 में इंडिया के लिए अंडर 19 क्रिकेट टीम में शानदार परफॉर्मेंस करने वाला सौरभ नेत्रवलकर है। यूएसए वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत काफी बुरी हुई है, जिसमें उन्होंने यूएसए टीम के अगेंस्ट में सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। यूएसए ने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज की। फर्स्ट बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को यूएसए ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेट्स खोकर 20 ओवर्स में सिर्फ 159 रन स्कोर किए, पर यूएसए भी 160 का टारगेट चेस नहीं कर पाई। उन्होंने भी 3 विकेट्स खोकर 159 रन ही स्कोर किए, जिसके चलते यूएसए वर्सेस पाकिस्तान वाला ये मैच सुपर ओवर में चला गया। यूएसए ने सुपर ओवर में 18 रन स्कोर किए। अब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 6 बॉल में 19 रन की जरूरत थी, पर यूएसए के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सौरभ नेत्रवलकर ने पाकिस्तान को 13 रन पर ही रोक दिया और ये हाई वोल्टेज मैच जीत लिया। इसी मैच में सौरभ ने 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन देकर मोहम्मद रिजवान एंड इफ्तिकार अहमद जैसे मेन विकेट्स भी लिए थे। तो दोस्तों, सच बताना, पाकिस्तान के इस ह्यूमिलिएटेड हार के बाद आपको तो खुशी जरूर मिली होगी, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकती हो। तो दोस्तों, ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप से जुड़े हुए अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।